करने वाले हैं कि आप चौंक जाएं। हमारे सीमा, हमारे जमीन, हमारे देश के अंदर, हमारे मंदिर, संस्थाएं, व्यवस्थाएं, न्यायपालिकाएं, मेरे पास तो इतना बड़ा डाटा है कि मैं अगर सीरीज लगातार चलाता रहूं तो साल भर चलेगी। और अभी तो केवल यूपीएससी की बात निकली है, अभी तो राज्यों की बात निकलनी। अभी तो राज्यों में जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें नौकरशाही की जो भर्तियां हैं उनकी बात निकालनी है। अभी तो तमाम राज्यों ने वहां पर रिजर्वेशन दिया है। आप अभी गूगल करके देखिए, तेलंगाना ने घोषणा कर दी। आप मुझे बताइए, राज्य सरकारें भी पैसे दे और केवल मुसलमानों को अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े पैमाने पर दे, केंद्र भी दे, विदेश के आतंकवादी पैसे भी दे, ये सब कुछ अगर एक ही धर्म और पंथ के लिए करना है तो हिंदुओं ने क्या पाप किया है? अपने आप को पूछिए, क्या गुनाह किया है हमने, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया ना इस देश के लिए, जिनके पास बड़े बड़े राज्य थे, बड़े साम्राज्य थे, हजारों गांव जिनके राज्य में आते थे, उन्होंने देश का तिरंगा झंडा तय करके जब ये देश एक करने की बात की तो हजारों संस्थानिकों ने अपना संस्थान, अपना राजकाज इस देश में विलीन कर दिया। आज वो उनके बेटे को कोई छूट नहीं है, उनको आर्थिक जरूरत नहीं, लेकिन उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिन्होंने देश दिया, अपना राज्य दिया, अपना साम्राज्य दिया, अपना खजाना दिया, अपने माँ बाप, अपने पुरखों के बलिदान का भूभाग दिया, उनके लिए कुछ नहीं है। जिन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांग लिया, उनके लिए रिजर्वेशन। क्या क्या चल रहा है भाई इस देश में? क्यों कोई चैनल वाला नहीं बोल रहा? स्टे तो सुरेश चौहान के और बिंदास बोल के सुदर्शन के कार्यक्रम पर है ना। मैं सारा कंटेंट देने के लिए तैयार हूं। जो चैनल वाला इस रिसर्च को लेकर कार्यक्रम करने को तैयार है, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये अभियान केवल सुदर्शन पर चले और मुझे टीआरपी मिले, ये मेरी बिजनेस की कभी पॉलिसी नहीं रही ना। ये सुदर्शन मेरे लिए बिजनेस है, सैकड़ों करोड़ रुपए का लॉस सह कर ये चलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि देश नंबर एक बनना चाहिए, ये हमारा घोष वाक्य है, राष्ट्र सर्वप्रथम, ये हमारा संकल्प है और इसके लिए चैनल चलाया जा रहा है। सुदर्शन चैनल ना चले, इसके लिए सरकार और बाकी तंत्रों से रोक नहीं सकते, तो सबसे बड़ा हथियार इन्होंने निकाला। मुझे विज्ञापन देने वाले लोगों को धमकाया गया, अमूल को कहा गया कि अगर सुदर्शन चैनल पर विज्ञापन चलाओगे तो हम मुसलमान भारत के और विदेश के, ब्रिटेन के, अमेरिका के, अमेरिकन मुस्लिम एसोसिएशन ने ऑफिशियल ब्लू टिक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। बताइए भाई, ये मसला अगर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान का है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं और ऐसा आपका कहना है, तो इस लड़ाई में पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या संबंध है भाई? अगर ये लड़ाई हमारे अपने देश के दो नागरिकों के समूह के बीच की है तो इसमें ब्रिटेन के मुसलमानों का क्या संबंध है भाई? इसमें यूरोप के मुसलमानों का, अफ्रीका के मुसलमानों का, ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों का क्या संबंध है भाई? वो क्यों कूद रहे इसमें? अगर भारत सरकार मुझे नहीं रोकती है और देश का न्यायालय नहीं रोकता है तो तुर्की ने घोषणा की है, कागज लाए उन्होंने हेग में जाके अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में कि अगर भारत की स्वतंत्र व्यवस्था है सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल को मुसलमानों के खिलाफ शो करने से रोक नहीं पाई तो इंटरनेशनल न्यायालय में जाएंगे। मतलब पूरे हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया। अरे इतना सारा नाटक करने से अच्छा है कि शो में आइए, बात करिए, मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाइए। हिंदुस्तान के कानून मुझे सजा देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा डाव खोल दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अब कब्जा नहीं होना है, अब नहीं होने देना है। मेरे शो ने तो शो होने के पहले वैसे मेरे 30 सेकंड के वीडियो ने काम कर दिया। देश में लव जिहाद स्थापित करने में हमको दशक लगे थे, लेकिन यूपीएससी जिहाद स्थापित करने में 30 सेकंड लगे। 30 सेकंड के प्रोमो ने लोगों को याद दिलाया कि अरे हमारे आसपास में जो जिलाधिकारी हैं फैजल जैसा, हमारे यहाँ पर यूपीएससी से निकला हुआ जकात फाउंडेशन की जो गंदगी है वो क्या कर रही है। लोग मुझे कागजात भेज रहे हैं, एफआईआर भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भेज रहे हैं। हम तो जब निकले थे पहली 28 अगस्त को, अगर ये शो होता तो हम जितना दिखाते
उससे अब मेरे पास 60 से 70 गुना, प्रतिशत नहीं कह रहा हूं, ज्यादा मटेरियल आया है। और मैं दावा करता हूं कि 26 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो इससे ज्यादा मटेरियल होगा। और मैं पहले एपिसोड से दोबारा शुरू करूंगा, हिंदुस्तान के सामने आपको नंगा करूंगा, देखते हैं क्या होता है। मित्रों, मैंने लगातार आपके सामने ये मुद्दा रखा है, कई मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कई लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने जितनी ज्यादा चीजें आपको बताना संभव है उतनी भेजी है। और इसके साथ साथ आपको प्रश्नोत्तर करने के लिए इसके कमेंट में भी आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, उनको मैं बाद में भी उत्तर दे सकता हूँ। और यहाँ पर एक मित्र कह रहे हैं कि रामेश्वर टेके कह रहे हैं कि सुरेश जी कुछ जहादी लोग तो भारत को ही पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसे जहादी लोग यूपीएससी लायक नहीं है, भारत के लायक नहीं है। हर हर महादेव। रामेश्वर जी, इतना ही नहीं है, हिंदुस्तान को बच्चे पैदा करके चार चार बीबियां 44 बच्चों की फौज खड़े करके लोकतंत्र की कब्जे की बात तो ही, उसके लिए तो मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए 70 दिन 20,000 किलोमीटर की पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की थी, 7.25 करोड़ हस्ताक्षर और मिस कॉल एकत्र किए हैं, वो लड़ाई रुकी नहीं है। विधि पालिका में जन प्रतिनिधि बनकर संसद में, विधानसभा में, जिला पालिका में, तालुका पालिका में घुसने भी नहीं देंगे हम, दो हमारे दो तो सबके दो, ये बच्चे का दो बच्चे का कानून भी लाएंगे। और इस तरीके से जिहादियों को जमात से निकालकर विदेशी पैसों के साथ हम किसी भी कीमत पर इस देश की नौकरशाही में भी घुसने नहीं देंगे। यही आप राष्ट्रभक्तों के साथ आज मेरा संकल्प है। बड़ी संख्या में आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम समय में इस पूरे विषय को मैंने आपके सामने जो रखा है ये केवल 2 से 3% का हिस्सा है। मुझे अभी कोर्ट की अनुमति के बाद पूरा विषय आपके सामने रखना है। मैं बार बार आने के लिए तैयार हूं, फिर आने के लिए तैयार हूं। और इतना ही नहीं, मैं आज राष्ट्रभक्तों का इस जो मेरे साथ खड़े हैं, देख रहे हो, मुझे पता है कि इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल पर, इस फेसबुक पर, इस मीट पर जो लोग हैं वो प्रखर राष्ट्रवादी है। और इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि अगर मुझे अनुमति नहीं दी गई तो ना केवल सोशल मीडिया से बल्कि मैं हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में जनसभाएं करके, मेरे पास तो 100-100 फीट की बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन है, बड़े बड़े मैदानों पर उसको लगाऊंगा, और जो टीवी पर दिखाना है नहीं दिखा पा रहा हूं उसको उन स्क्रीन पर आंकड़े सबूतों के साथ दिखाऊंगा, यात्रा करूंगा, जन आंदोलन खड़ा करूंगा। पहला कार्यक्रम जहां पर धर्म की सबसे बड़ी लड़ाई हुई उस कुरुक्षेत्र से करें। कब रहेगा, डेट क्या रहेगी, जल्दी बताएंगे, लेकिन ये मोटा मोटा विषय मैंने आपके सामने रखा है। आज इंट्रैक्शन के तौर पर हम ज्यादा देर बात नहीं कर पाए, लेकिन मुझे कहा गया था कि मैं लगातार बात करूं और आपके सामने पूरे विषय को रखूं, तो विषय मैंने रखा है। मैं आशा करता हूं कि मैंने रखे हुए तमाम मुद्दे आपको समझ में आए होंगे, और उन मुद्दों पर अगर कोई प्रश्न है तो मेरे ट्विटर पर सुरेश चौहान के, या मेरी वेबसाइट surejchauhan.in पर, या इसी जो इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है उसके कमेंट में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं और हमारी टीम उन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको देगी। आपने मुझे बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, हम सबको एक होकर ये बात करनी पड़ेगी मित्रों। हम अपने अपने एजेंडे, अपने अपने झंडे और अपने अपने नेताओं के पीछे रहेंगे तो फिर देश का एजेंडा और देश का झंडा झुक जाएगा। और इसलिए हम सब एक हो, हम सब एकत्र आकर वो ताकत बने जो इस देश के खिलाफ जिहाद फैलाकर कब्जा करने के तमाम इरादों को भी नेस्तनाबूद करे, षड्यंत्र को उजागर करे और उसको रोकने में सफल हो, यह आशा व्यक्त करता हूं। पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।